हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है अखिल और आप देख रहे हैं एडवांटेज और टेक्नोलॉजी चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो का आज आप पहला पार्ट देख रहे हो। तो दोस्तों, आप पहले पार्ट में ये देखोगे दोस्तों कि मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों कुछ जो मतलब आपका टाइम जास्त ना लेते हुए मैंने कुछ वीडियो डिलीट कर दिए थे। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, टोटल कॉइल के साथ पूरी मोटर रिवाइंड करके दिखाऊंगा, फुल वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों मैं। इसमें V4 की मोटर है, 3 HP की मोटर है और इसका आप वाइडिंग वीडियो अभी देखने वाले हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस मोटर के टर्न है 32, पिच है 10-12, गेज है 0.7, कनेक्शन है स्टार और HP है 30। 3 HP की मोटर है दोस्तों। हमने इस वायर को इस बॉक्स के अंदर से यहाँ से लिया है। वायर इस तरह इस पाइप के ऊपर से SH नीचे आ चुकी है। इससे हम अभी टर्न बनाएंगे। ये V4 मोटर है, 4 इंच कहते हैं हम इसको दोस्तों। इसके अंदर हमने स्लॉट पेपर डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। ऐसे ऑलरेडी मैंने स्लॉट पेपर डाल दिए हैं। अगर स्लॉट पेपर कैसे डालना होता है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक चिकन टेप लगा दिया है जो कि हमारी कनेक्शन साइड है। हम यहाँ इधर कनेक्शन देते हैं और इधर से ही रिवाइंड करेंगे इसको। तो चलिए अब दोस्तों हम इसका कॉइल साइज निकाल लेते हैं। जिस वक्त मैं मोटर इसकी वाइडिंग निकाल रहा था तो मैंने एक वायर 1-10 की स्पीच की निकाल ली थी। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर सेट करूंगा, इसको ऐसे माप लूंगा यहाँ से। अब ये तो वायर जली हुई वायर थी, वो यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं और इस वायर को निकाल देता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों हमें 1-10 में डालना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1-10 के अंदर इसको हम डालेंगे। ऐसा करना है आपको और इसके अंदर ढकल देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको शेप देंगे। तो दोस्तों हमारा कॉइल साइज सही निकल चुका है और यहाँ से कंफर्म करेंगे हम 1-10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है। ये दोस्तों सही इसलिए आ चुका है, सही इसलिए आ चुका है क्योंकि जिस वक्त मैं वाइडिंग निकाल रहा था मोटर की जली हुई, तभी मैंने 1-10 की जो स्लॉट में वायर होती है वो एक वायर निकाल दी थी और उसका माप लेके मैंने ढकेल दिया। तो सही से आ जाएगा, ज़्यादा परेशान की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसको निकालूंगा और फार्मा पे सेट कर दूंगा। यहाँ से आपको यहाँ से बाहर थोड़ा अंतर रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉइल आएगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से छोटा सा स्पेस रख दिया है बाहर। यहाँ की हमारे 1-10 की कॉइल आएगी और यहाँ पर 1-12 की आएगी। ये है हमारा फार्मा 1-10, जिसमें हम 4 कॉइल बना सकते हैं। अब दोस्तों ये जो है इसके अंदर का कॉइल साइज हम इस फार्मा के ऊपर सेट करेंगे। एडजस्टेबल वाला इसको हम ढीला करेंगे इसको और बाहर तरफ लेंगे। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आ चुकी थी कि हम वीडियो स्किप कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अब दोस्तों इसमें हम वीडियो स्किप नहीं करेंगे। आपका थोड़ा सा टाइम चला जाएगा लेकिन आपको पूरा डिटेल में नॉलेज आ जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। अब दोस्तों मैं स्क्रू को टाइट कर देता हूँ। हमारा कॉइल साइज सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। एक बार हमने इसके ऊपर सेट कर दिया है। 1/10 की छोटी कॉइल का हमने कॉइल साइज निकाला था, इसलिए हमने 1/10 छोटे कॉइल वाले में फिट कर दिया इसको। ये छोटी वाली कॉइल बनेगी हमारी यहाँ पे छोटी वाली कॉइल बनेगी, यहाँ पे बड़ी वाली, यहाँ पे बड़ी वाली और यहाँ सबसे छोटी वाली। ठीक है, अब इसको हम निकाल देते हैं। अब हम दोस्तों कॉइल बनाएंगे। ये वायर दोस्तों मैं आपकी जो है आउटसाइड वहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसको ऐसे ऊपर ही रखूँगा जब तक कॉइल बनाता हूँ तब तक। टोटल इसके अंदर 32 टर्न है, पहले हम 32 टर्न लेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ 32 टर्न। हमको यहाँ से ऐसे लेना है इसको, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे लेके स्टार्ट करना है। यहाँ पे 32 टर्न लेना है हमें। हमारे 32 टर्न कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं इसको अपनी ओर बांध देता हूँ, इस वायर को अपनी ओर बांध देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी ओर बांध लिया है इसको। ये जो हमारा था वायर हमने पहले लिया था। तो हम दूसरी कॉइल बनाएंगे जो कि 1/12 की है। उसके लिए हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसा है। यहाँ से अगले स्लॉट में हम ऐसे वायर लेंगे इसकी, अगले स्लॉट में इसका। ठीक है, तो ये वायर हमारे यहाँ से यहाँ पर चली जाएगी, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब इसमें भी हम 32 टर्न दे देते हैं। हमारे यहाँ पे टोटल 25 टर्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसको अपनी ओर बांध देता हूँ। ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपनी ओर बांध दिया, यहाँ पे अपनी ओर बांध दिया। मैंने यहाँ से यहाँ पर किया था। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ जाना। ये वायर यहाँ से आ चुकी है और यहाँ से अगले स्लॉट में ऐसे वायर लेंगे। ठीक है, अगले स्लॉट में ऐसे लेना है आपको, ऐसे लेना है अपनी और तरफ से। अब इसमें भी हम, तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें एक टर्न हम कम लेंगे, तो इसमें हम 31 टर्न लेंगे, तभी हमारे टर्न स्लॉट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे 32 टर्न। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एक टर्न ऐड हो जाता है और यहाँ से कम हो जाता है, इसलिए हम ऑलरेडी क्या करेंगे, यहाँ से एक टर्न कम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे टर्न हम लेंगे 31। हमने ये लिया 31 टर्न ले लिया लास्ट तक। इसको मैं अपनी ओर बांध देता हूँ। अब दोस्तों मैंने इसकी अपनी ओर मैंने इसको बांध दिया। तो आपको आप देखना है कहाँ से कहाँ लेना है। तो ये ऐसा था। अब दोस्तों हम यहाँ से सीधा ऐसे ही लेंगे, इसके ऊपर सीध लेंगे और अगले इसमें हम यहाँ से चेंज करेंगे आपकी ओर से, यहाँ से। दोस्तों हमारे 32 टर्न कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैंने बताया था कि इसमें हम एक टर्न कम लेंगे और इसमें एक टर्न ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पे 32 टर्न कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम एक टर्न ज्यादा लेंगे, 33 लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लास्ट में हम एक वायल हमारे लास्ट में हम इसको डालते हैं तो इसका एक टर्न इसके अंदर ऐड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर एक कम और यहाँ पे एक ज्यादा टर्न दे देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको अब बांधते हैं अपनी ओर। अब दोस्तों ये जो कॉइल है तो मैं सिर्फ अकेला ही कर रहा था, तो आप देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा के द्वारा कि मैंने अकेले नहीं सिर्फ एक कॉइल कैसे बनाई। तो दोस्तों हमको ऐसे तीन ग्रुप बनाने हैं, चार कॉइल का एक ग्रुप हो गया कंप्लीट हमारा, तो हम ऐसे तीन ग्रुप बनाएंगे जिससे हमारी टोटल मोटर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप आपको मैं कैमरा दिखाता हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बॉक्स रख दिया इसको नीचे, और यहाँ से वायर लेके मैंने इसके ऊपर से इस पाइप के ऊपर से वायर लेके इसके नीचे से यहाँ पे मैं कुर्सी पे बैठ के कॉइल बना रहा था, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं स्किप नहीं करना चाहता आपको, टोटल मैं इसके अंदर कोई बात स्किप नहीं करूंगा, टोटल मैं आपको जिस तरह रिवाइंड करता हूँ टोटल रिवाइंड करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है V4 मोटर 4 इंच, इसके स्लॉट हैं 24, इसका गेज है 0.7, पीछे 10-12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग के लिए। अब दोस्तों मैंने जिस तरह बताया कि कॉइल यहाँ पे चार कॉइल्स निकाल दिए हैं बाहर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉइल्स हैं वो। अब इसके अंदर हम 1 से 10 का पिच के बारे में डालेंगे, पहले 1 से 10 का पिच कॉइल डालेंगे और फिर 1 से 12 का, ठीक है। अब ये पेपर हम 1 से 10 में डालेंगे। अब मैं ये पेपर पीछे से डाल रहा हूँ, कनेक्शन बाजू आगे साइड को है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, मैंने 1 से 10 के अंदर पेपर डाल दिया। अब यहाँ से हम कंफर्म करेंगे कि 1 से 10 के अंदर पेपर जा चुका है या नहीं। यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारा पेपर सही जगह पे जा चुका है। तो पहली सबसे छोटी वाली कॉइल इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 10 की, जो हमने पहले बनाई थी। दोस्तों मैं चिकट टेप आपके लिए लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, मुझे इस चिकट टेप की कोई जरूरत नहीं, बिना चिकट टेप का ही मैं रिवाइंड करता हूं। इस कॉइल को अच्छी तरह से शेप देना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम डालेंगे, इस तरह डालनी है कि ये जो हमारा अभी दोस्तों हमारा कन्फ्यूजन ये हो गया है कि मैं इसको स्टार्ट बोल रहा था और इसको एंड बोल रहा था। अब मैं इसको स्टार्ट और एंड नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोगों को समझ में ऐसे आ रहा है कि मैं स्टार्ट की कॉइल डाल रहा हूँ और रनिंग की कॉइल डाल रहा हूँ, ऐसे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं। तो रनिंग की कुछ नहीं दोस्तों, ये 3 फेज मोटर है, इसके अंदर स्टार्ट और रनिंग ऐसा कुछ नहीं होता। पूरे दोस्तों यहाँ पे रनिंग ही कॉइल्स हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्टार्ट और कोई एंड नहीं है। अभी मैं सिर्फ इसको मैं अभी इनर बोलूंगा और इसको आउटर बोलूंगा, इस तरह मैं दोस्तों इसको रिवाइंड करूंगा, ठीक है। तो ये कॉइल डालते समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चिकट टेप है, ये जो है इनर, हम इसको राइट हैंड तरफ रखें, बाएं हाथ तरफ रखें इसको हम, ठीक है। इसके अंदर हम ऐसे डालेंगे कॉइल, ऐसे इसको हम राइट हैंड तरफ रखेंगे और ऐसे कॉइल इंसर्ट करेंगे। फिर से एक बार दोस्तों कन्फर्म कर लीजिए कि ये जो हमारा इनर है, ये इसको हम इनर बोलेंगे और इसको हम आउटर बोलेंगे, क्योंकि एक कॉइल के जो यहाँ 2 तार निकल आ रहे हैं उसको हम 2 अलग अलग नाम देना चाहिए। इसको हम पहला बोल सकते हैं, इसको दूसरा बोल सकते हैं, इसको स्टार्ट बोल सकते हैं, इसको एंड बोल सकते हैं, इसको इनर बोल सकते हैं, इसको आउटर बोल सकते हैं, ताकि हमें लास्ट कनेक्शन देने में मदद हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका तरीका यही है कि ये हमारे चिकट टेप के राइट हैंड तरफ होना चाहिए, हम इसको इनर बोलेंगे, ठीक है। अब इसको हम इसके अंदर कॉइल के अंदर डाल देते हैं, इसको शेप देके अच्छी तरह से। अब दोस्तों हमारी वायर पूरी जा चुकी है, इसलिए हम इसके अंदर लकड़ी डाल के इसको लॉक करेंगे। तो दोस्तों हमारे पूरी टोटल कॉइल जा चुकी है इसके अंदर और इस कॉइल को हमने लॉक भी कर दिया। ठीक है, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लीजिए। हमें इसके ऊपर बड़ी कॉइल आएगी, इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे जगह रखनी चाहिए। मोटर दोस्तों थोड़ी सी छोटी है, इसलिए आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं फिर भी। अब दोस्तों हमने ए पहली कॉइल 1 से 10 की डाल दी, इसके अंदर हमारा ए इनर हो गया जो कि हमारा राइट हैंड तरफ है, और ये हमारा आउटर हो गया जो कि चिकट टेप के लेफ्ट हैंड तरफ है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके अंदर 1 से 12 की कॉइल डालेंगे जो इस वायर को जुड़ी हुई है। पीछे से इसके हम पेपर डालेंगे। ये जो पेपर है दोस्तों 5 mm का पेपर है। दोस्तों ठीक इसके ऊपर अगर आप अगर पेपर डालोगे ना तो ठीक इसके ऊपर तो 1 से 12 के अंदर ही चला जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके अंदर 1 से 12 की कॉइल डालेंगे। ए वाली जो हमारी ए जो वायर है यहाँ से इस कॉइल को आ चुकी है, एक कॉइल हम इसके अंदर डालेंगे। जिस तरह कॉइल मैंने यहाँ से उठाया और इसको चिकट टेप मैं यहीं पर लगा रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से शेप दे देता हूँ मैं। अब दोस्तों ये कॉइल डालने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वायर है हमारी आउटर है। ठीक है, ये जो आउटर है यहाँ से यहाँ पर चला जाए। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कोशिश की थी कि ये जो आउटर है हमारा इस कॉइल को यहाँ से यहाँ पर चला जाए। तो इस चीज में दोस्तों हमने जब कोशिश की कि ये आउटर यहाँ से 1 से 12 की कॉइल को चला जाए, तो इस कॉइल के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका ये आउटर हमको निकला आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई इनर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आउटर हमें मिल चुका है। पूरी हमारी वायर जा चुकी है, इसलिए हम पेपर को रिमूव कर लेते हैं और लकड़ी की मदद से इसको लॉक कर देते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों हमारी 1 से 12 की कॉइल हमने डाल दी, तो इसमें हमें एक आउटर मिल चुका है, क्योंकि सिर्फ हमें ये लेफ्ट हैंड तरफ मिला इसको, इसलिए हम आउटर बोलेंगे। इसको अच्छी तरह से सेट दे। अब दोस्तों आप देख रहे हो हमने नीचे दो कॉइल डाल दिए। अब ठीक है, इसके सामने ऐसी दो कॉइल हमें डाल देने, इस मोटर को घुमाना है इस तरह, और बीच में हम एक एक स्लॉट छोड़ देंगे और वहाँ पे पेपर डालेंगे तो हमारे 1 से 10 में आ जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर यहाँ 1 से 12 की कॉइल डालनी है जो कि हम लास्ट टाइम डालेंगे। यहाँ 1 से 12 की कॉइल हम एकदम लास्ट टाइम डालेंगे, पहले हम 1 से 10 की कॉइल डालेंगे। यहाँ पे एक एक स्लॉट छोड़ के हम पेपर डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पे एक स्लॉट छोड़ दिया और यहाँ पे पेपर डाल दिया। यहाँ पर भी एक स्लॉट छोड़ेंगे और पेपर डालेंगे। और यहाँ से फिर एक बार कंफर्म करेंगे कि 1 से 10 में है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सही है दोस्तों, 1 से 10 में हमारे पेपर जा चुका है। तो हम सबसे छोटी वाली कॉइल पहले डालेंगे। ये हमारी लास्ट कॉइल है जो सबसे छोटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट तार है हमारा। इसको अच्छी तरह से शेप दें। अब दोस्तों ये सबसे छोटी वाली कॉइल है, सबसे छोटी वाली। हम इस कॉइल को इस तरह डालेंगे जो हमारा जो इनर है वो हमारे राइट हैंड तरफ हो, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा है इनर है, ये इनर हमने इस स्टिकर टेप के राइट हैंड तरफ इसको रख के इसके अंदर कॉइल डाल दी है, ठीक है। और ये हमारा आउटर है, ये हमारा इनर हो गया और ये हमारा आउटर हो गया, ठीक है। अब पीछे से कॉइल्स को खींच लेते हैं। पूरी जो वायर से हमारी जा चुके हैं, आप देख सकते हो। तो इसको हम पेपर को रिमूव करेंगे। और इसको कामटी की मदद से इसको लॉक कर देंगे। इसको भी रिमूव करेंगे। दोस्तों हो गया हमारा। तो ये भी कॉइल को हमने लॉक कर दिया है। आगे से अच्छा शेप देते हैं पहले इसको। तो दोस्तों हमारे पास ये लास्ट कॉइल बची है इस ग्रुप में की, पहले ग्रुप में लास्ट कॉइल बची है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे हमने एक एक स्लॉट छोड़ दिया है यहाँ पे और यहाँ पे, जो कि हम बड़ी कॉइल डालेंगे 1 से 12 की, ठीक है। तो पीछे से हम देखते हैं, यहाँ पे एक एक स्लॉट हमें खाली दिखा दे रहा है। इसके अंदर हम पेपर डालेंगे। आप गिन के देख सकते हो नीचे से। तो 1 से 12 के अंदर पेपर हमारा जा चुका है, ठीक है। तो 1 से 12 की कॉइल हम सबसे, अब लास्ट वाली कॉइल है तो हम उसके अंदर डालेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत सारी लंबी हो रही है, इसलिए दोस्तों आपको इसका अगला पार्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और मेरे सारे वीडियो उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम कॉइल करते वक्त मैंने बता दिया था कि इसके अंदर 2 टर्न ऐड होंगे, एक टर्न इसके अंदर ऐड होगा, इसलिए हमने इस कॉइल में 1 टर्न कम लगा दिया था। जहां हमारे 32 टर्न थे, मैंने इसके अंदर 31 टर्न लगा दिए थे। वो कैसे ऐड हो जाता है वो देखिए दोस्तों। यहाँ पे इतनी सारी वायर बची हुई है। अब मैं इस कॉइल को ये जो वायर है और ये भी वायर है, इसी तरह मैं जिस तरह आई है वायर उसी तरह ऐसे लूंगा। ये देखिए एक वायर हमारी ऐड हो चुकी है और ये अब हमारी दूसरी भी वायर ऐड होने लगी है। ठीक है। अब दोस्तों हम इस कॉइल को इस तरह डालेंगे कि ये जो वायर है हमारे आउटर वो यहाँ से यहाँ पर चली जाए, और इसकी इस जो कॉइल की आउटर थी ना, ये पहले हमने एक ग्रुप डाले तो ये आउटर था, ये आउटर यहाँ से यहाँ पर चला जाए, ये भी आउटर है वो यहाँ से यहाँ पर चला जाए। इस तरह हम इसको अंदर डालेंगे। आप देख सकते हो मैंने कोशिश की थी कि इसका इस कॉइल का जो छोटे कॉइल का जो आउटर है वो यहाँ से यहाँ चला जाए, और इस कॉइल का जो आउटर है वो यहाँ से यहाँ पर चला जाए। तो ठीक है, आपको दिख रहा है ये आउटर यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कॉइल का हमारी कॉइल सही जा चुकी है। कुछ वायर से ऊपर बचे हैं तो हम इस चॉपर की मदद से इसको अंदर डाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी वायर ऊपर आ चुकी है, तो हम डाल देंगे। ठीक है, हमने डाल दिया, तो इसके ऊपर हम रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों हमने पहला ग्रुप इंस्टॉल कर दिया है, आप देख सकते हो इसके अंदर। अभी दोस्तों ऐसा है कि इस ग्रुप के अंदर हमें एक आउटर मिल गया और एक आउटर मिल गया, आउटर ही मिले हैं जिसको मैं पिछली वीडियो में बता रहा था ये स्टार्ट है। तो आपको लग रहा था कि इसमें स्टार्ट कॉइल है और रनिंग कॉइल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 पीस की मोटर है, इसलिए यहाँ पे रनिंग और स्टार्ट ऐसा कोई नहीं, सभी कॉइल यहाँ पे रनिंग की है। वो सिंगल पीस मोटर में स्टार्ट कॉइल और रनिंग कॉइल होती है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले ग्रुप में देखा कि यहाँ पे एक इनर और यहाँ पे एक इनर मिल चुका है। ठीक है, आउटर आउटर सभी इसके अंदर जा चुके हैं। अब दोस्तों में हम ये पेपर डालेंगे, ये राउंड पेपर है, इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारी कॉइल शॉर्ट ना हो। ठीक है, इसके अंदर हमने राउंड पेपर डाल दिया, आप देख सकते हो। और पीछे के ओर भी हम इसको राउंड पेपर डाल देंगे। ये 5 mm का पेपर है, ये हम मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जब तक हम रिवाइंड करते हैं तब कॉल हमारी हो सकता है हमसे भी होते वक्त ये कॉल शॉर्ट हो जाए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने ये भी इसके अंदर डाल दिया। अब दोस्तों हम इसको शेप देंगे अच्छी तरह से। हल्के से इसको मारना है, ज्यादा जोर से नहीं, हो सकता है शॉर्ट हो जाए, इसलिए इसको धीरे धीरे से इसको शेप दे देना है। मोटर का शेप जो है दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपका दोस्तों शेप ठीक से नहीं आया तो आपको मोटर रिवाइंड करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से पहला ग्रुप इंस्टॉल कर दिया है, तो अब हम इसके अंदर दूसरा ग्रुप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो अभी हमारे यहाँ पे 4 और यहाँ पे ऊपर 4, टोटल 8 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों इसी तरह हमें और 2 ग्रुप डालने, सेम प्रोसेस है, सिर्फ स्लॉट अलग अलग होंगे। वही 10-12 का पीछे अगले ग्रुप के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आपके मन में जो भी कोई सवाल हो या सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं दोस्तों उस सवालों के आपके जवाब में दे देता हूँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तो इसी का पार्ट 2 आप देखेंगे, सेकंड ग्रुप देखेंगे आप इंस्टॉल करके, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।